हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू DNS क्लासेस। और बेटा, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड के बारे में, और जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हम लोग आप लोगों के पास, ठीक है। टॉप 20 MCQ क्वेश्चन है, जो मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स का क्वेश्चन है, और यूनिट थर्ड में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू डिस्कस विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन से एंजाइम जो होते हैं गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो कौन से एंजाइम है? क्या गैलेक्टोकाइनेज है जो इन्वॉल्व नहीं होता है? क्या ग्लूकोकाइनेज है जो इन्वॉल्व नहीं होता है? तो गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइन ट्रांसफरेज है, UDP गैलेक्टोज 4 इपीमरेज है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है, नॉट पूछा है, इसमें से पूछ रहा है कि नहीं, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना बेटा, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि नॉट पूछ रहा है कि है पूछ रहा है या इन्वॉल्व पूछ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है बेटा, यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। तो ग्लूकोकाइनेज जो एंजाइम होता है, इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसमें से कौन सा जो अमाउंट है या जो प्रोडक्ट है, ये फॉलो करता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड को? तो क्या एस्टिक एसिड फॉलो करता है, क्या ऑक्सैलोएस्टिक फॉलो करता है, क्या सक्सिनिक एसिड फॉलो करता है, या सिट्रिक एसिड फॉलो करता है? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज, ये पूछ रहा है बेटा कि सिट्रिक एसिड साइकिल को और किस नाम से हम लोग जानते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल का मतलब TCA साइकिल होता है, क्रेब्स चक्र होता है, तो इसे हम किन किन नामों से जानते हैं? आइए, तो क्या क्रेब्स साइकिल इसे कहते हैं, ठीक है, क्या TCA साइकिल इसे कहते हैं, क्या ग्लाइकोलिसिस साइकिल इसे कहते हैं? बोथ, जो ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी। अब आप लोग बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होने वाला है। क्रेब्स साइकिल सिट्रिक एसिड को कहते हैं, TCA साइकिल भी सिट्रिक एसिड को कहते हैं, ठीक है। क्रेब्स जो है, एक साइंटिस्ट है बेटा, इन्हीं के नाम पे क्रेब्स साइकिल पढ़ा, ठीक है। TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इन्हीं के नाम पे पढ़ा, और सिट्रिक एसिड भी इसे कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होने वाला है ये क्या है, डी। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं, वेयर डज ग्लूकोनियोजेनेसिस टेक्स प्लेस, ठीक है। जो हमने पढ़ाया था आप लोगों को ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, यहाँ से तीन क्वेश्चन बनने वाले हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस पूछ दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको ग्लाइकोलिसिस भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो अगर आपसे ग्लाइकोलिसिस पूछे, ग्लाइकोलिसिस अगर आपसे पूछे, तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म भी दे सकता है और साइटोसॉल भी दे सकता है, ठीक है। दो ऑप्शन दे सकते हैं ग्लाइकोलिसिस के लिए, और दोनों ही करेक्ट हैं, साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो वेयर डज ग्लूकोनियोजेनेसिस टेक्स प्लेस, कहाँ पे होता है? लीवर में होता है, हमने देखा था, हमने डिस्कस किया था, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है वो क्या होता है, लीवर में। अर्थात ग्लूकोनियोजेनेसिस होता क्या है, जब हमारे बॉडी को या जब हमारे सेल्स को, ठीक है, ग्लूकोज नहीं मिलता है, मतलब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है या जो अमाउंट है वो कम हो गया है, तो अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा, मोस्टली जो ग्लूकोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, प्राइमरी प्रोडक्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, लेकिन हमारे बॉडी में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया है। अब हमें नई चीज़ों से लेना है, मतलब ग्लूकोज, यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि ग्लूकोनियो मतलब नया, नियो मतलब क्या होता है, नया, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस करना, मतलब ग्लूकोज का सिंथेसिस करना किसी नए चीज़ से। नए चीज़ क्या है हमारे यहाँ पे, फैट हो सकता है, ठीक है, और प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। तो जब फैट और प्रोटीन से हम किसका फॉर्मेशन करें, ग्लूकोज का, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ये कहाँ पे परफॉर्म होती है बेटा, लीवर में। चलिए फिर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर साइट फॉर ग्लाइकोजन स्टोरेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, एक एग्ज़ाम होता है बेटा, जब आप लोग BSc कर लोगे, MSc कर लोगे, फिर एक एग्ज़ाम आता है ICMR, CSIR, जब नेट या PhD की जब तैयारी करते हो, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है, तो मसल्स एंड लीवर में, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में आप क्या लगाओगे, यहाँ से देखो एक क्वेश्चन बनने वाला है कि अगर यहाँ पे तुम्हें फैट पूछ दे, ठीक है, फैट स्टोरेज, ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पे फैट स्टोरेज पूछ दे, तो तुम्हारा आंसर क्या होने वाला है, एडिपोज टिश्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडिपोज,
ठीक है, एडिपोज टिश्यू ना बेटा, एडिपोज टिश्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। फैट के लिए स्टोरेज फॉर्म क्या है हमारा, एडिपोज टिश्यू होता है, मसल्स एंड लीवर में ग्लाइकोजन का क्या होता है, स्टोरेज होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें, दी हार्मोन विच इज सिक्रेटेड इन एन इमरजेंसी और इन स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। तो स्ट्रेस कंडीशन में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है इसके बारे में बात कर रहा है, या इमरजेंसी हार्मोन भी इसे कहते हैं, एक नाम से और बोल सकते हैं हम इसे बेटा, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, किस नाम से बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है, लड़ो या तो भागो, ठीक है, लड़ो या तो भागो, ठीक है। ये हार्मोन जो होते हैं ये भी इन्हें बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, स्ट्रेस कंडीशन भी बोलते हैं, मतलब जब हम लोग फियर होते हैं, डर भी जाते हैं, कभी कभी डरते हैं तब भी हार्मोन जो होता है निकलता है, तो ऐसे हार्मोन का नाम क्या है, ठीक है। एड्रीनेलिन के जगह एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, एड्रीनेलिन का दूसरा नाम भी होता है जिसका नाम है एपिनेफ्रिन, ठीक है, क्या नाम है बेटा, एपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन। आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है, एपिनेफ्रिन भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन के भी नाम से आ सकता है, सेंटेंस में परिवर्तन हो सकता है, फाइट पहले कर सकता है, फ्लाइट पहले कर सकता है, ठीक है, तो इस चीज़ से कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन का मतलब एकदम इमरजेंसी, तुरंत, ठीक है, और स्ट्रेस कंडीशन का मतलब जब हम बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत उदास रहते हैं, ठीक है, फियर का मतलब डर जाना, ये सारी कंडीशन में जो होता है कौन आता है, एड्रिनेलिन, किस ग्लैंड से निकलता है, यहाँ पे ग्लैंड भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से आपसे ग्लैंड पूछे तो आप क्या बताओगे, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, कौन सी ग्लैंड होने वाली है बेटा, आपकी एड्रिनल ग्लैंड होने वाली है, ठीक है, कौन सी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनेलिन हार्मोन निकलता है, दैट्स क्लियर। इसका एक नाम और है एपिनेफ्रिन, दो हार्मोन निकलते हैं मोस्टली, एपिनेफ्रिन एंड सेकंड हार्मोन है हमारा नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रिनेलिन, ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना, नॉर भी लिख सकता है, नॉन एड्रिनेलिन भी लिख सकता है, ठीक है, यहाँ पे आर की जगह एन भी हो सकता है, तो इसे कन्फ्यूजन नहीं लेना है, ढेर सारी बुक में आर लिखा है, ढेर सारी बुक में एन लिखा है, तो ये अपनी अपनी हैंड राइटिंग है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो दी हार्मोन विच इज सिक्रीटेड इन एन इमरजेंसी और इन स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एड्रिनेलिन हो सकता है बेटा। ग्लूकेगॉन जो होता है पैंक्रियाज से निकलता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ग्लूकेगॉन जो होता है कहाँ से निकलता है, पैंक्रियाज, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ग्लूकेगॉन अल्फा सेल्स, पैंक्रियाज की अल्फा सेल्स, ग्लूकेगॉन जो है कहाँ से निकल रही हैं, पैंक्रियाज, ठीक है, पैंक्रियाज से अल्फा सेल से निकलता है हमारा ग्लूकेगॉन बेटा, ठीक है, ग्लूकेगॉन निकलता है, ठीक है। देखो एड्रिनेलिन हमने बात कर लिया, इंसुलिन भी कहाँ से निकलता है, बीटा सेल, पैंक्रियाज की बीटा सेल, ठीक है, पैंक्रियाज, ठीक है, पैंक्रियाज के पास हालांकि तीन सेल होती हैं, अल्फा बीटा और डेल्टा, लेकिन यहाँ पे दो डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो हार्मोन लिखा है, तो इसलिए हम लोग दो को डिस्कस कर रहे हैं, ग्लूकेगॉन अल्फा सेल, इंसुलिन बीटा सेल, ठीक है, ये हो गया मिलेनिन, ठीक है, मिलेनिन जो हार्मोन है ये भी एक प्रकार का प्रोटीन भी होता है, पिगमेंट भी है, हार्मोन भी है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग लेके चलते हैं, मिलेनिन मोस्टली यहाँ पे पूछ दिया है, प्रोटीन का केस है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तीन हार्मोन को दे दिया है और तीन हार्मोन से पूछ दिया है इमरजेंसी हार्मोन कौन है, और तीन हार्मोन के साथ ये तीनों हार्मोन ही है, लेकिन ये दो हार्मोन जो है एक ही ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, उस ग्लैंड का नाम है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज को एक नाम से और जानते हैं बेटा, पैंक्रियाज का क्या नाम है भाई, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, क्या नाम है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बेटा, क्या नाम है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, आर कह सकते हैं मिक्स ग्लैंड, ठीक है, मिक्स ग्लैंड के भी नाम से हम पैंक्रियास को जानते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन का भी सिक्रीशन करती है और एंजाइम का भी सिक्रीशन करती है, एंड दिस इज नोन एज हेट्रोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स ग्लैंड, ओके। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड इज कॉल्ड, जब लिपिड का फॉर्मेशन होता है, बनता है, और लिपिड का जब ब्रेकडाउन होता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या प्रोटीन मेटाबोलिज्म कहेंगे, प्रोटीन मेटाबोलिज्म में प्रोटीन बनता है, फॉर्मेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, अमाइनो एसिड में अमाइनो एसिड का
का ब्रेक डाउन होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, मेटाबोलिज्म होता है, तो आप समझ सकते हैं इस प्रोसेस को हम लोग लिपिड मेटाबोलिज्म कहते हैं। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है, इसके नाम पे ही नाम पड़ गया है लिपिड मेटाबोलिज्म, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अगर यहाँ पे प्रोटीन आपको देता तो प्रोटीन मेटाबोलिज्म, अगर आपको यहाँ पे लिपिड की जगह अमीनो देता तो अमीनो एसिड मेटाबोलिज्म, अगर आपको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, डाइसैकेराइड कुछ भी देता तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म हो जाता। द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन एलिमेंट्री कैनाल इज, ठीक है, ये पूछ रहा है, डाइजेशन का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इसका कौन सा पार्ट जो होता है हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन में मोस्टली यहाँ पे देखो अलग करके दे दिया, थोड़ा सा डीप आंसर दे दिया है। अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा, यहाँ पे ई से भी हो सकता है, आई से भी, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा बेटा, ये क्या है, एक पार्ट है हमारे बॉडी का, या कह सकते हैं ऑर्गन है, जहाँ पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है, जहाँ पे हमारे फूड का क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है, बात समझ में आई, फूड कंप्लीट डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फूड कंप्लीट डाइजेस्ट कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कौन सा पार्ट करता है, ईलियम होता है और जिजनम भी होता है, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो क्या होने वाला है, ईलियम है, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आपका आंसर जो है ईलियम है, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए, इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल, ठीक है, इसमें से ये पूछ रहा है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें से कौन सा एप्लीकेबल है, तो अगर हम बात करें इट इज अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लेकिन अकॉर्डिंग टू नहीं होता है, देखो अकॉर्डिंग टू अगर हो गया, अगर कंसंट्रेशन दे दिया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन का मतलब होता है लो टू हाई, ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं लो टू हाई, एल टू एच, ठीक है, एल टू एच मतलब लो टू हाई कंसंट्रेशन होता है, ग्रेडियंट एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इट इज अ राइट आंसर, ठीक है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हालांकि राइट आंसर मिल गया है, लेकिन हम लोग दो आंसर को और देख लेते हैं, इट इज अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट एंड एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, हालांकि एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, इसे हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो दूसरा आंसर है इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से ना। फिर कह रहा है कि इट इज अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, यहां तक तो सही था, यहां तक तो सही है, लेकिन यहां पे क्या कर दिया है, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड कर दिया, मतलब यहां पे एनर्जी चाहिए, एनर्जी कैसे चाहिए, अब तुम ये सोचो तुम्हें पहाड़ पे चढ़ना है, ठीक है, तुम्हें पहाड़ पे चढ़ना है, तो या मान लो तुम कभी वैष्णो देवी जाओ या तुम कभी मैहर देवी जाओ, तो जब तुम सीढ़ी पे चढ़ते हो तो क्या यहाँ पे एनर्जी नहीं लगती है, नीचे से ऊपर जाने में क्या लगती है, हमें एनर्जी लगती है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी एंड रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या कह सकते हैं इसे एनर्जी की जरूरत होती है, तुम्हारा राइट आंसर क्या होने वाला है, सेकेंड है, ठीक है। चलिए, द एंजाइम डिफिशियंसी दैट लीड्स, द एंजाइम डिफिशियंसी दैट लीड्स टू हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है ना, हीमोलिटिक एनीमिया जो होता है किसकी वजह से हो रहा है, इस चीज को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, द एंजाइम डिफिशियंसी दैट लीड्स टू हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, पाइरूवेट काइनेज, ठीक है, किसकी वजह से, पाइरूवेट काइनेज की वजह से हो रहा है, ठीक है, हीमोलिटिक एनीमिया कह सकते हैं, ठीक है, एक आंसर और जा रहा है क्या, ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज नहीं, ठीक है, पाइरूवेट काइनेज आप लोग देख लीजिएगा, हीमोलिटिक एनीमिया जो होता है इसकी वजह से होता है, ठीक है। चलिए, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज भी कह सकते हैं, नहीं फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज नहीं कह सकते, ठीक है, हमारा जो राइट आंसर है क्या होने वाला है, ठीक है, द नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरूवेट इज, ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है कि कितने एटीपी जो होते हैं खर्च होते हैं ना, तो कितने एटीपी जो होते हैं ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने में खर्च हो रहे हैं बेटा, 2 ATP, ठीक है, ये याद रखना, 2 ATP लेके चल रहे हैं, इट इज़ अ एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है, अगर हम लोग एनारोबिक लेके चल रहे हैं, जैसे हम लोग ग्लाइकोलिसिस जब पढ़े थे तो यहाँ पे मैंने बताया था टोटल 4 ATP जो होते हैं, 4 ATP क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कितने इन्वॉल्व होते हैं, 4 ATP ना, ठीक है, आप लोग देखे होंगे 4 ATP इन्वॉल्व होते हैं, माइनस 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 ATP, ठीक है, तो ठीक है, दो पाइरूवेट के बनने में, टू पाइरूवेट लेके, टू पाइरूवेट, ठीक है,
एक ग्लूकोज से कितने, दो पायरुवेट, अगर टू पायरुवेट होगा तो दो एटीपी खर्च होंगे, ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे, टू एटीपी, ठीक है। यहाँ पे कितना आंसर होने वाला आपका, टू एटीपी होने वाला, ठीक है। तो टू एटीपी जो होंगे इन्वॉल्व होंगे, आप लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे। अगर अगर हम लोग एरोबिक कंडीशन लेके चलते हैं तो एरोबिक कंडीशन में एट एटीपी भी आता है हमारा, ठीक है। कितने एटीपी आता है, एट एटीपी। हालांकि यहाँ पे मोस्टली जो ग्लाइकोलिसिस होती है बेटा, ग्लाइकोलिसिस बोथ रिएक्शन है, ठीक है, एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों रिएक्शन है, लेकिन मोस्टली जो होता है वो एनारोबिक कंडीशन होता है। ग्लाइकोलिसिस कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। कार्बोहाइड्रेट्स आर एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, ठीक है, क्वेश्चन 12 है हमारा बेटा। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं किस फॉर्म में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये याद रखना मोनोसेक्राइड दे दिया है यहाँ पे, मोनोसेक्राइड न लिख के यहाँ पे बेटा ग्लूकोज भी लिख सकता है, ठीक है, ग्लूकोज भी लिख सकता है, ठीक है। जीएलसी शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको याद रखना, जीएलसी से क्या होता है, ग्लूकोज को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड की जगह ग्लूकोज होता है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, बहुत पहले से आया चला आ रहा है, तो इसलिए हम लोग ग्लूकोज के फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे बॉडी में किस फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है, मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड का एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज। यहां पे दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ग्लूकोज भी और मोनोसेक्राइड भी। द फंक्शन ऑफ बाइल साल्ट्स ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन इज, द फंक्शन ऑफ बाइल साल्ट ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जब एब्जॉर्प्शन होता है तो बाइल साल्ट का फंक्शन क्या होता है, डिजॉल्विंग ऑफ फैटी एसिड, क्या फैटी एसिड को डिजॉल्व करता है, नहीं भैया, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, हाँ, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का क्या मतलब होता है, इमल्सिफिकेशन फैट का मतलब, ठीक है, जो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट होते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट होते हैं इन्हें कन्वर्ट कर देता है स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ फैट में, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ फैट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ब्रेकिंग ऑफ फैट्स इंटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड नॉट, ठीक है, फिर नन ऑफ दिस, ये तो है ही नहीं, तो इसमें से जो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है बेटा, सेकेंड। चलिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ल्यूमेन, ठीक है, जब ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज का जब ट्रांसपोर्ट होता है ल्यूमेन से, ऑफ द इंटेस्टाइन इज कपल्ड विद द डिफ्यूजन ऑफ, ठीक है, तो इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा एलिमेंट जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। आप लोग जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया होगा सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होने वाला है सोडियम है, ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, सोडियम। द लिपोप्रोटीन सिंथेसाइज, लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन का मतलब क्या हो गया, लिपोप्रोटीन का मतलब क्या हो गया, लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है, लिपिड प्लस प्रोटीन, तो लिपिड्स प्लस प्रोटीन का मतलब हो गया लिपोप्रोटीन, मतलब प्रोटीन, या कह सकते हैं लिपिड के साथ जब प्रोटीन बाइंड हुआ है तो क्या हो गया हमारा, लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो लिपोप्रोटीन सिंथेसाइज इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स फ्रॉम द एब्जॉर्ब फैट आर नोन एज, एब्जॉर्ब जब फैट होती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, तो हम इसे देते हैं काइलोमैक्रॉन्स, क्या नाम देते हैं, काइलोमैक्रॉन्स। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या है, यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं HDL, क्या कहते हैं, HDL, और यहाँ पे इसे बोलते हैं LDL, LDL का मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये सारे आपके नोट्स में मिल जाएंगे, मैंने ऑलरेडी इसको बेटा प्रोवाइड करा दिया है, जो लेक्चर नहीं आप लोग देखें उसको जाके आप देख सकते हैं, और यहाँ से जब आप लेक्चर को देख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। लैक्टियल्स आर कनेक्टेड विथ, ठीक है, जो लैक्टियल्स है, ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है, क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट से कनेक्टेड है, क्या प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से कनेक्टेड है, क्या सिक्रीशन ऑफ लैक्टिक एसिड से कनेक्टेड है, तो किस चीज से कनेक्टेड है, लैक्टियल्स जो है इट इज अ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है, जब डाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक लैक्टियल्स आता है, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट से कनेक्टेड है, ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। Which of the following, next question है हमारा 17, which of the following are absorbed as such in the elementary canal, ठीक है, तो इसमें से कौन सा elementary canal के through क्या किया जाता है, absorb किया जाता है, ठीक है, तो क्या एग एल्बुमिन एब्जॉर्ब किया जाता है, पॉलीसेक्राइड तो एब्जॉर्ब किया ही नहीं जाता, क्योंकि अभी हमने इसके पहले क्या किया, सॉल्व किया मोनोसेक्राइड का आंसर, जो जिसका आंसर ग्लूकोज था, इसके बारे में हमने देखा प्रोटीन्स, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है बेटा मेरे हिसाब से फैट सॉल्युबल विटामिन होने वाला है, ठीक है, इट इज अ राइट आंसर ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया है ना, यहाँ पे ये पूछ दिया है कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन को जो है वो क्या किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए, द लिम्फ कंटेनिंग फैट अपीयर्स मिल्की एंड इज कॉल्ड एज,
ठीक है, जो लिम्फ होता है जब कंटेनिंग फैट, जब लिम्फ के साथ या फैट के साथ जब लिम्फ मिल जाए या लिम्फ के साथ जब फैट मिल जाए तो एक इसकी तरह दिखते हैं, मिल्की, मतलब थोड़ा सा दुधिया कलर का दिखते हैं। और इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, क्या इसे काइल कहते हैं, क्या इसे काइलोमैक्रान कहते हैं, क्या इमल्सन कहते हैं, क्या लैक्टियल्स कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होने वाला बेटा वो क्या होने वाला है, काइल होने वाला है, ठीक है, CHYLE, ठीक है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, क्या पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज है, क्या पाइरुवेट कार्बोक्सीलेज है, क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, क्या फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, ठीक है। HMP संट इज रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, HMP जो संट है हमारा, HMP संट, ठीक है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट के भी नाम से इसे जानते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं इसे। एक क्वेश्चन जो है दो तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है बेटा, इसे भी बोल सकते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। पहली चीज, क्या लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या कार्बोहाइड्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या फैट मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या अमाइनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होने वाला है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के लिए होता है, ठीक है, किसके लिए होता है, न्यूक्लिक एसिड के लिए होता है और प्रोटीन के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे तीनों आंसर भी दे सकते हैं आप, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होने वाला है हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बेटा, कौन सा आंसर होने वाला है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इस चीज़ को आप याद रख, ठीक है। तो HMP संट जो है किसके लिए रिक्वायर है बेटा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, आज की जो क्लासेस है बेटा आज हम लोग इसी जगह समाप्त करते हैं इस क्लास को, क्योंकि आगे भी क्लास जो है बेटा रन करने वाली हैं, ठीक है, और हमें उम्मीद है कि जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये क्या है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है, और भी जितने क्वेश्चन हैं आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। हमारे उम्मीद से जितने भी सारे क्वेश्चन यहाँ से आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन के साथ दो तीन क्वेश्चन क्या हैं जुड़े हुए हैं, ठीक है, और आप ऐसे ही पढ़ते रहें, मस्त रहें, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट।